पुरस्कार लेने के लिए एंड आपके सामने आज का तीसरा पहला राउंड का मैच आगाज हो चुकी है। मिस्टर एमडी हालिम इस मैच को ऑफिशिएट करते हुए एज ए मेन रेफरी। तो शुरू हो चुकी है आज का एक शानदार मैच। संध्या तारा क्लब लक्ष्मी पोसी प्राम विवेक एफसी। कृपया अंग्रेजी अक्षर में कैपिटल लेटर में करेंगे, ये अनुष्ठान की ओर से आप सबों से गुजारिश किया जा रहा है। मिस्टर बैद्यनाथ गोप जो कि सिरका स्टार फुटबॉल टीम के खिलाड़ी रहे हैं एंड पिछले मैच के लिए मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं, कृपया हमारे मंच के सामने पधारेंगे मिस्टर बैद्यनाथ गोप फ्रॉम सिरका स्टार फुटबॉल टीम। थैंक यू। मुहूर्त स्थिति शून्य शून्य रही विवेक एफसी फुटबॉल टीम खेल पड़िया पूर्व प्रांत विपक्ष दल जरिया देखी विपक्ष दल को नहीं दमदार लंबा पास संध्या तारा लक्ष्मीपोषी फुटबॉल टीम द्रुत गति और उनको राहुल जी के हाथों मैन ऑफ द मैच पुरस्कार दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजा दी एक बार प्लीज इनके लिए, बैद्यनाथ गोप के लिए जो कि मिडफील्डर के रूप में खेल रहे थे और बेहतरीन खेलते हुए अपनी टीम को जीत खिलाने में सफल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। फिर से आप सभी को लिए चलते हैं मैदान के अंदर जहां पर खेल चल रहा है। विवेक एफसी गुड़ा और लक्ष्मीपोषी के बीच जो कि पीली जर्सी पर गुड़ा की टीम और लक्ष्मीपोषी की टीम ब्लू जर्सी पर खेलते हुए इस समय लक्ष्मीपोषी बैक पास करता है। डिफेंडर लंबे उछाल के साथ गेंद को रिलीज किए हैं, यहां पर हवा में उछाला था लेकिन इस समय गुड़ा के खिलाड़ी 10 नंबर को देते हुए 10 नंबर रोकना चाहते थे लेकिन उनके हाथों से जा लगी गेंद विमल बिरवा के हाथों में, इसलिए इनको फॉल करा दिए मोहम्मद हालिब ने, एमडी हालिब ने। और पास खेलते हुए इस समय लक्ष्मीपोषी के खिलाड़ी के पास गेंद, सुंदर नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश, गलत पास कर बैठे इसे विमल के लिए, गेंद को पास किया विमल, तेजी दिखाते हुए अपने नियंत्रण में रखे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ देखना पड़ेगा। एक खिलाड़ी मौजूद और छीनने में सफल हुए लक्ष्मीपोषी और छोटे पास के इस्तेमाल करते हुए अपने अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी को देते हुए आ रहे हैं और गेंद को अच्छी रिलीज किया है, रोके हैं गेंद को, देखना पड़ेगा चिताने लगाता हुआ मौका बना है यहाँ पर, देखना पड़ेगा डिफेंस लगे हुए हैं, फिर से मौका जोरदार की कहानी जरूर लेकिन दिशाहीन किक और गेंद चली गई मैदान से बाहर। एक मोमेंट बनाया था लक्ष्मीपोषी के खिलाड़ियों ने लेकिन दिशा नहीं दे पाए और गोल पोस्ट से काफी दूर थी गेंद और चली गई गेंद मैदान से बाहर। और गोल किक होने के बाद फिर से गुड़ा के पास गेंद अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं, अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी को पास देते हुए यहाँ पर एक चप्पा के बाद तेजी दिखाते हुए अकरमन का मोमेंट फिर से बनाने की कोशिश, पांच ओवर के खिलाड़ी को देना चाहते थे लेकिन मौजूद नहीं, डिफेंडर आए वहां पर मौके पर और गेंद कुछ भी पास डाला है सदर पॉइंट के लिए, काफी सुंदर रोकने में नाकाम, चार बटे वापस की गेंद को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश करता हुआ, छह नंबर नियंत्रण किए अपने बाई तरफ के खिलाड़ी को दिए उन्होंने और
नियंत्रण अच्छी रखी है और लंबी पास के जरिए सीधे सचिन के लिए गेंद को पास किया। सचिन ने गेंद को नियंत्रण करने के बाद सीधा राइट विंगर को देते हुए, राइट विंगर गेंद के पीछे काफी तेजी से जाता हुआ उन्होंने नियंत्रण किया, गेंद को चकमा देने में नाकाम, छीनने में सफल चिंपुजी के खिलाड़ी, लेकिन गलत बात कर बैठे। सचिन ने रोका था, फिर से मिलता हुआ इस समय नकी पहुंची, इसे छीनने के बाद तेजी दिखाते हुए आठ नंबर गंगुली को मिली थी गेंद, लेकिन इसी बीच रेफरी मोदी की लंबी हुई छीन मोहम्मद हालिम जी का और आप दोनों टीमों से निवेदन है कि आप लोग अगला मैच खेलने के लिए हमारे फोर्थ ऑफिस में उपस्थित हो जाएं और खेल से पहले अपना प्लेलिस्ट जमा कर देने की कृपा करेंगे। थ्रोइन का मौका, लंबी थ्रोइन के साथ रिलीज किया गेंद को बाईं तरफ से ले जाने का प्रयास करते हुए, छीना चपट्टी होता हुआ और बॉल करार देते हुए रेफरी महोदय इस गेंद को किक करने के लिए बिमल पीर हुआ। देखना पड़ेगा इस फ्रीकी का क्या कुछ फायदा लेती है गुड़ा की टीम। सुंदर उछाल के साथ डाली है क्रॉस, यहाँ पर देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ खिलाड़ी ने क्लियर किया था। फिर से मौका बनाने के लिए सचिन हवा में उछाला गेंद को, देखना पड़ेगा यहाँ पर हेडर द्वारा प्रयास क्लियर किया गेंद को, फिर से मिलता हुआ छोटे पास के इस्तेमाल, तालमेल बढ़ाई है लेकिन गलत पास कर रहे थे। इसका फायदा लेते हुए लक्ष्मीपोसी के खिलाड़ी और तेजी से सेंटर लाइन के आसपास गेंद को पास किया है, यहाँ पे सतीगढ़ को देते हुए यहाँ पर मौका बनाने के लिए, लेकिन डिफेंडर तेजी से आया गेंद को रोकने में सफल और बिमल गए थे इस गेंद को साइड लाइन से बाहर जाने से रोकने के लिए, लेकिन रोक नहीं पाया और ट्रेन का मौका मिलता हुआ लक्ष्मीपोसी को, लेकिन यहाँ पर एक इशारा दिए हैं परिवर्तन के लिए। लक्ष्मीपोसी के खिलाड़ी के जर्सी में नंबर नहीं, इसलिए हम कह नहीं सक रहे हैं कि कौन से नंबर की जर्सी के खिलाड़ी मैदान से बाहर जाएंगे और कौन से खिलाड़ी अंदर आएंगे। थ्रोइंग का मौका मिलता हुआ लक्ष्मीपोसी को, सुंदर थ्रोइंग दाएं छोर के खिलाड़ी को देते हुए क्लियर करने की कोशिश में है यहाँ पर डिफेंडर, लेकिन अभी छक्के साथ यहाँ डालना चाहते थे, पोस्ट की तरफ डालना चाहते थे लेकिन दिशाहीन किक हुई और मैदान से बाहर और गोल किक का मौका मिलेगा गुड़ा के खिलाड़ियों को। छोटे पास के रूप पे इस गोल किक को इस्तेमाल करते हुए डिफेंडर इस गेंद को ड्रिल करने के बाद सीधे लेफ्ट मिडफील्डर को देते हुए उन्होंने लंबी उछाल के साथ बिमल के लिए, बिमल ने नियंत्रण के चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन छीनने में सफल हुए। लक्ष्मीपोसी लंबे कद के खिलाड़ी अपने नियंत्रण में रखे, थोड़े पास के इस्तेमाल करता हुआ यहाँ पर तालमेल बनाई है, देखना पड़ेगा दाएं छोर से आक्रमण का मूवमेंट, शून्य के मुकाबले पर खेल रहे हैं, देखना पड़ेगा अंतिम पड़ाव की ओर जाता हुआ खेल और यहाँ मौका बनाने के लिए फिर से तेजी दिखाना चाहते थे लेकिन बिमल की किक क्लियर करने में सफल। फिर से लक्ष्मीपोसी के डिफेंडर गेंद को डालने का प्रयास, बाएं पास है लेफ्ट विंगर के लिए गेंद को निकाला, लेफ्ट विंगर ने अपने नियंत्रण में रखे ही हुए हैं, गिरते पड़ते गेंद पर कब्जे जमाए हैं लेकिन इसी क्रम में गेंद फिर से सचिन के लिए बैक पास हुआ। सचिन ने लंबी उछाल के साथ अग्रिम पंक्ति को देना चाहते थे लेकिन पीछे की तरफ फिर से बॉल आई है, छोटे छोटे पासों का इस्तेमाल करते हुए खेल रहे हैं दोनों टीम के खिलाड़ी, बेहतरीन तालमेल के साथ खेल तो रहे हैं लेकिन फिनिशिंग नहीं, इस कारण से अभी तक शून्य शून्य के मुकाबले पर चलता हुआ खेल और इस समय बिमल पास खेले हैं राहुल ने दाएं छोर के खिलाड़ी को देते हुए, लेकिन फिर से पीछे की तरफ आई बॉल और डिफेंडर इसको क्लियर करना चाहा लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद सीधे मैदान से बाहर चली गई। BSYS भोंडा टीम से निवेदन है कि आप मुख्य मंच में आकर संपर्क करेंगे, BSYS भोंडा टीम से निवेदन है कि आप हमारे मुख्य मंच में आकर संपर्क कर। मिल आए बीच में और उन्होंने विनोद के लिए पास किए लेकिन उनको छीनने में सफल, फिर से मिलता हुआ इशारा है
छीना झपट्टी होता हुआ सचिन गेंद के पीछे दौड़ लगाते हुए यहाँ पर गए हैं, लेकिन एमडी हालिम जी की विशिल फॉल करा देते हुए पीछे से पकड़ने की कोशिश किया था, हाथों का इस्तेमाल करना चाहते थे, इसी को फॉल करा देते हुए एमडी हालिम और फ्री किक का मौका मिलेगा इस समय गुड़ा के खिलाड़ियों को। विवेक एफसी गुड़ा लेकिन उससे पहले डिफेंडर ने क्लियर किया, गेंद को हवा में फिर से सीने से रोका, बढ़िया अच्छी नियंत्रण। और आगे अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी आक्रमण का मूवमेंट बनाने के लिए गलत पास कर बैठे, क्लियर करने में सफल, फिर से पीछे की तरफ, फिर से लखीमपुर को मिलता हुआ और छोटे पास का इस्तेमाल इनके थे जरूर, लेकिन इस बार भी नकारते हुए फिर से लखीमपुर अंतिम समय में भी पुरजोर कोशिश करता हुआ, लेकिन हर आक्रमण को नकारते हुए गुड़ा के खिलाड़ी लंबी उछाल के साथ रिलीज की गेंद को पीछे की तरफ आया, विमल ने लंबी उछाल यहाँ पर विनोद के लिए, विनोद तेज़ जाता हुआ देखना पड़ेगा, लेकिन डिफेंडर मौजूद है वहां पर, हवा में उछाला गेंद को, टप्पा खाई गेंद फिर से हवा में, इस अच्छी कवरिंग के साथ विनोद ने गेंद को निकाला, जरूर देखना पड़ेगा विनोद क्या कुछ करते हैं, और लंबी पास के जरिए खेला यहाँ पर, लेकिन उससे पहले क्लियर करने में सफल लखीमपुर जमीनी पास खेला है, लेफ्ट विंगर ने नियंत्रण किया गेंद को, अपने कब्जे में लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन इस बार राहुल ने गेंद को क्लियर किया है। और इसी बीच रेफरी महोदय की लंबी हुई शिलिंग और ट्रॉफी पोजिशन में मैच समाप्त होता हुआ और अगला मैच के लिए बिल्कुल